टाटा मोटर्स ने फाइनली इस साल की शुरुआत में ही एक धमाका कर दिया है। आई मीन ऑब्वियसली हमें इस बारे में पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी खबर मिल चुकी थी बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ लीक्स एंड रूमर्स रिगार्डिंग दिस न्यूज़, बट इट वॉज सपोज टू बी अ न्यू स्टार्ट फॉर टाटा मोटर्स, क्योंकि ये उनके नए प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की जाने वाली EVs के लाइनअप की शुरुआत भर है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट ऑन द होल। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम और बात करते हैं टाटा पंच EV के बारे में। तो टाटा पंच EV इज बेसिकली इलेक्ट्रीफाइड वर्जन ऑफ टाटा पंच, लेकिन टेक्निकली ये दो गाड़ियाँ सेम नहीं है। इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस है जिनकी वजह से इन दोनों गाड़ियों को एक अलग ओवरऑल फील मिल जाता है। सबसे पहले तो पंच EV का प्लेटफॉर्म पंच के ICE वर्जन से अलग है बिकॉज पंच EV इज बेस्ड ऑन टाटाज ऑल न्यू ACTI.EV प्लेटफॉर्म। ये टाटा मोटर्स का एक ऑल न्यू स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है और चूंकि ये एक कम्प्लीटली मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है तो टाटा इसे उनके आने वाले कई गाड़ियों में यूज करने वाले हैं, जिसमें टाटा की हैरियर EV, गर्व EV और मोस्ट प्रोबेबली सियरा EV भी इंक्लूडेड होंगी। अब इस प्लेटफॉर्म की वजह से टाटा को अलग अलग बैटरी कॉन्फ़िगरेशंस, परफॉर्मेंस ट्यून्स और अलग अलग वेरिएंट्स को ऑफर करना पॉसिबल होने वाला है। इसके अलावा इस नए प्लेटफॉर्म के चलते अब टाटा उनके EV लाइनअप में IoT या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारे डिजिटल और सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स को इन गाड़ियों में ऐड करना काफ़ी ईजी होने वाला है एंड वी कैन सी सम ऑफ दिस फीचर्स इन पंच EV इटसेल्फ। अब इसमें क्या फीचर्स दिए गए हैं इस बारे में मैं आगे डिटेल में बात करने वाला हूँ, बट अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज पर बनने वाली गाड़ियों का अपडेट रखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर रख दो, इससे मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब हम वापस चलते हैं और बात करते हैं टाटा पंच EV के लुक्स के बारे में। सो टाटा पंच EV को अगर हम पंच के ICE वर्जन से कंपेयर करें तो लुक्स के मामले में दिस इज माइल्स अहेड एंड इट हेल्प्स द पंच EV स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स ICE काउंटरपार्ट। अब टाटा हर दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरह वही घिसा पिटा LED स्ट्रिप वाला DRL सेटअप दे रहे हैं। आई डोंट नो, आई मीन दिस इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, आपको ये सेटअप अच्छा लग सकता है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो एट फर्स्ट जब मैंने ये सेटअप रिवियन और हमर EV जैसी गाड़ियों में देखा था तो मुझे काफ़ी कूल लगा था क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी यूनिक और नया था, बट नाउ ऑलमोस्ट हर एक मैन्युफैक्चरर यही सेटअप को यूज़ कर रहा है एंड नाउ इट्स गेटिंग काइंड ऑफ बोरिंग। बाकी आपको ये ट्यूबलाइट जैसा सेटअप कैसा लगता है आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस DRL में कुछ कूल फीचर्स दिए गए हैं, लाइक जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो इसमें कुछ अलग अलग लाइट एनिमेशन दिए गए हैं और उसके अलावा आप इसमें चार्जिंग स्टेटस भी देख पाएंगे, सो इट्स हेल्पफुल इन अ वे। इसके अलावा गाड़ी के डायमेंशंस मोर और लेस पंच के ICE वर्जन जैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है, लाइक पंच EV का ग्राउंड क्लियरेंस उसके ICE वर्जन से ज्यादा है सो इट फील्स अ बिट टॉलर। इसके अलावा इसमें कुछ EV बैजेस दिए गए हैं एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। ओ हाँ, इसके टेल लाइट्स में भी वही LED स्ट्रिप वाला डिजाइन दिया गया है। एनीवेज लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार। ओके, तो पंच EV का इंटीरियर इज जस्ट सो गुड, आई मीन जस्ट बाय द लुक्स इटसेल्फ ये बहुत ही मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक फील देता है। इसमें कौन से फीचर्स दिए गए हैं ये अब मैं एक ही ब्रेथ में बताने की कोशिश करूंगा, जस्ट प्रे फॉर मी एंड होप आई डोंट डाई डूइंग दिस। सो हियर गोज, इट गेट्स लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर विद AQI डिस्प्ले, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट विच सपोर्ट्स 45W फास्ट चार्जिंग, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड इल्यूमिनेटेड कूल ग्लोव बॉक्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, अ टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील विथ एन इल्यूमिनेटेड लोगो, 10.25-inch टच इन्फोटेनमेंट बाय हरमन, 10-inch डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बेडेड नेविगेशन व्यू इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जिसमें अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट एंड हे टाटा इंक्लूडेड है, ओवर 200 वॉइस कमांड्स इन 6 लैंग्वेजेस, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ये फीचर सिर्फ लॉन्ग रेंज में मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी एटसेट्रा। ओके, आई मेड इट। ठीक है यार, सांस लेने दो जरा, लेट जस्ट टेक अ ब्रेक, आई नीड टू ब्रीद। इसके अलावा अगर सेफ्टी की बात करें तो टाटा पंच EV में हमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग एंड हाइड्रोलिक फेडिंग कंपनसेशन
which by the way is standard across all variants, SOS calling with eCall and bCall, electronic parking brake with auto hold, and a 360 degree surround view camera system with blind spot monitor, जो सिर्फ higher trims में ही offer किया जाएगा। इसके अलावा ये एक काफी roomy interior दिखाई पड़ रहा है, and it looks like a very well designed and well put together interior. So enough with the interior stuff. Now let's talk about the performance, the range and other aspects of this EV. तो टाटा पंच EV में दो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफर किए गए हैं, जिसमें एक 25 किलोवाट आवर और एक 35 किलोवाट आवर का ऑप्शन दिया गया है। अब जो 25 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है उसमें हमें 60 किलोवाट और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एसी मोटर दी गई है, वाइल द लॉन्ग रेंज मॉडल गेट्स 90 किलोवाट और 190 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क वाली परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एसी मोटर। अब इनमें हमें 315 किलोमीटर्स और 421 किलोमीटर की क्लेम रेंज देखने को मिलती है, बट रियल वर्ल्ड में ये कितनी रेंज ऑफर कर पाएगी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चार्जिंग टेक की बात करें तो पंच ईवी में हमें एक एसी होम वॉल बॉक्स चार्जर दिया जाएगा, जिसे यूज करके कस्टमर्स लगभग 9.4 आवर्स में अपनी गाड़ी को 10-100% तक चार्ज करवा सकते हैं। लेकिन कस्टमर चाहे तो ₹50,000 एक्स्ट्रा पे करके एक 7.2 किलोवाट का एसी होम वॉल बॉक्स चार्जर भी ले सकते हैं, जिससे इस गाड़ी को चार्ज करने में 3.6 आवर्स लग जाएंगे। अगर कस्टमर चाहे तो इस गाड़ी को 50 किलोवाट के पब्लिक डीसी फास्ट चार्जर से भी चार्ज करवा सकते हैं, जिससे ये ईवी सिर्फ 56 मिनट्स में 0-80% चार्ज हो जाएगी। इसी के साथ अगर लॉन्ग रेंज वाले वर्जन की बात करें तो इसमें 3.3 किलोवाट का चार्जर यूज़ करके रफली 13.5 आवर्स का टाइम लग जाएगा, 7.2 किलोवाट के चार्जर से 5 आवर्स लग जाएंगे और 50 किलोवाट के डीसी पब्लिक फास्ट चार्जर से इसे लगभग चार्ज कर पाएंगे। इसके साथ पंच ईवी में हमें मोटर और बैटरी इन दोनों में IP67 की रेटिंग मिलती है, और इन दोनों कंपोनेंट्स पर हमें 8 ईयर्स या फिर 160,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। सो कस्टमर्स कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ गेटिंग देयर कार स्टॉल्ड और नॉट फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, व्हाट एल्स। ओह, मेन बात तो मैंने बताई नहीं। तो पंच ईवी को 5 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, विच आर नेमली स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस। इट आल्सो गेट्स 5 कलर ऑप्शंस, जिनके नाम है एम्पावर्ड रेड, सीवीड ग्रीन, फियरलेस रेड, डेटोना ग्रे एंड प्रिस्टीन वाइट। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो, यानी पंच ईवी की प्राइस। तो टाटा पंच ईवी की प्राइस शुरू होती है ₹10.99 लाख एक्स शोरूम से, एंड द टॉप स्पेक वेरिएंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एसयूवी इज प्राइस्ड एट ₹14.49 लाख एक्स शोरूम। नाउ दीज आर इंट्रोडक्टरी प्राइजेस एंड दे आर अप्लीकेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड। इसका मतलब है कि ये प्राइसेस आने वाले समय में बढ़ेंगी, लेकिन वो कितना बढ़ेंगी ये हमें एज ऑफ नाउ पता नहीं है। तो आई थिंक मैंने टाटा पंच ईवी के सारे एस्पेक्ट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कवर कर लिया है, और आपके इस ईवी को लेकर क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके आपका सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की BFF, साइड चिक्स, नेबर्स, सबके साथ शेयर करो। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लो।